कहते हैं ना कि सिनेमा हमारे सोसाइटी का एक आईना है, जिसे आप जैसा दिखाना चाहो हमें वैसा ही पता लगेगा कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा है। अगर आप गलत दिखाओगे तो हमें गलत ही पता चलेगा, और अगर आप सही दिखाओगे तो सही ही पता लगेगा। और कुछ एक ऐसी मूवीज आती हैं जो ऐसे सही दिखाने पर काम करती हैं, जो रेड चिली प्रोडक्शन हाउस ने वो काम किया है। भाई साहब भक्सक मूवी आ चुकी है, और इसमें जिस हिसाब की दरिंदगी आपको देखने को मिलेगी, आपको पता चलेगा कि इस सोसाइटी में, यानी हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं देश के ऐसे कोने में ऐसी दरिंदगी होती है, और वो इतनी आसानी से निकल जाती है, लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे प्रयास की वजह से, ऐसे छोटे मोटे सिनेमा के प्रयास की वजह से वो चीज़ हमें इतनी डिटेलिंग में पता लगता है कि भाई हम आगे के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और हमें पता लगता है कि ऐसी दरिंदगी अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो अभी भक्सक मूवी को रिव्यू करेंगे, वैसा आपको इसमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसा इस साल की वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी ये होने वाली है। खैर ऐसे कंटेंट सभी के लिए नहीं होते हैं, लेकिन सभी लोग एक बार जरूर इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि भाई ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं इस मॉडर्न जमाने में। मूवी के स्टार्टिंग में ही एक छोटी बच्ची के साथ रेप, और वो सिर्फ रेप नहीं था, ब्रूटल वॉयलेंट रेप, जैसे कोई जानवर होता है ना अपने शिकार को नोचता है, वैसे ही नोचते हुए उस दिखाया गया है। स्टार्टिंग से ही भाई आपकी रूह कांपने लग जाएगी, आपको वो फील होने लग जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा कि भाई ये भी चल रहा है क्या इस टाइम पर। भूमि पेडनेकर एज रिपोर्टर काम कर रही हैं, और सी नेल डेट भाई साहब, भाई बाजा फाड़ दिया जो हिसाब का काम उन्होंने किया है। पिछले साल उन्होंने थैंक यू फॉर कमिंग जो मूवी करी थी, बहुत हेट झेलना पड़ा था, लेकिन भाई भूमि पेडनेकर के पास वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, जो अपने आप को ऐसे कॉन्टेंट में जिस तरीके से निखार सकती है, भाई इसका 101% काम हमें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। दमदार काम किया है एज रिपोर्टर, जिस हिसाब से पीछे पड़ जाती हैं उस क्राइम को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने पूरा किया। आगे एमएलए था, बावजूद उसके सारी पावर सामने थी, सारा कुछ खिलाफ था उनका, लेकिन फिर भी जो काम किया है उन्होंने, मतलब उस कैरेक्टर को पूरा अपने नाम किया है। भूमि पेडनेकर से वो कैरेक्टर नहीं, उस कैरेक्टर से भूमि पेडनेकर की पहचान हुई है, मैं एक बार के लिए कहूँगा। जबरदस्त काम किया है। सपोर्टिंग कास्ट में भी जितने भी लोग आए हैं सभी ने दमदार काम किया है, और खासकर अपने सीआईडी के दया भैया, भाई इस बंदे ने जो दरिंदगी दिखाई है मूवी में, भाई पूरा दरिंदा बन के जो करेक्टर आया है, भाई इस बंदे में भी क्या पोटेंशियल क्या कैलिबर है इस मूवी से ही पता लगा मुझे भी। जबरदस्त काम किया है, आपको नफरत होने लग जाएगी इस कैरेक्टर से। खुद एमएलए है, सारी पावर इसके पास है, और बच्चियों के साथ जो ये रेप करता है, जो भी दुष्कर्म करता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब जो वाइब होती है ना एक नेगेटिव मैन के सामने, अगर आप ऐसे कोई बंदे होते हैं सोसाइटी में, आप फील करते हो जिनके आसपास जाते हैं, ये आपको भनक होने लग जाती है कि साला ये आया है और कुछ ऐसा करके जाएगा जिससे मुझे फर्क पड़ेगा, और उससे मतलब घबराहट सी हो जाती कभी कभी। वही चीज़, वही सारा फील वाइब ये बंदा देके गया है अपने कैरेक्टर से, और मूवी में दिखाया गया है कैसे पॉलिटिकल कनेक्शन, इस चीज़ को कैसे बढ़ावा मिलता है, मतलब उनकी पावर के साथ, और वही चीज़ वही सरकार इसको एक्सपोज भी करती है, वही सरकार इसको रोक भी सकती है। तो एक बार निगेटिव भी दिखाया, एक बार पॉजिटिव भी दिखाया, तो ये चीज़ एक बढ़िया मैसेज है कि भाई वो चीज़ ये सही कर भी सकते हैं, मतलब जिसके पास पावर है वो चीज़ इसको रोक भी सकती है। मूवी में बालिका गृह की इन छोटी छोटी बच्चियों को तरह तरह के नशे देते दिखाया गया है, और उनके साथ आए दिन दुष्कर्म होते रहते हैं, ना कि सिर्फ एमएलए, और भी इनसे जुड़े जितने भी उसके सहपाठी दोस्त लोग हैं आते हैं, रेप करते हैं, सारी चीज़ें इतना हिला के रखेंगी आपको। तो मूवी दमदार है यार, मैं कहूँगा जाके जरूर देखो, स्पॉइल नहीं दूंगा और भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें देखने लायक हैं, खुद एक्सपीरियंस करने लायक हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।